हेलो गाइस, आज हरियाली तीज है। मेरी तरफ से हरियाली तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सीखेंगे दिए गए नंबर्स की संख्या निकालना। जैसे कि आपसे यदि कोई पूछे कि वन डिजिट के कितने नंबर होते हैं तो आप कैसे बताओगे, तो हम आपको बताते हैं आपको कैसे बताना है। ये हमने कुछ काउंटिंग लिखी हुई है जिससे हम जान सकेंगे, इजी पड़ेगा हमें कि वन डिजिट के कितने नंबर होते हैं। तो ये वन से हंड्रेड तक हमने काउंटिंग लिखी है। तो अब इसमें हम देख सकते हैं कि जो वन डिजिट के नंबर हैं वो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 में कितने नंबर हुए, 2। 10 में 2 डिजिट्स हैं, यानी कि वो टेंस में आ गया ना, तो 2 डिजिट हो गए। तो हमारे पास वन डिजिट के कितने नंबर हुए, 9। ये तो हमको आ गया। अब जब आपसे कोई ये पूछे कि 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं तब आप क्या करोगे, वही करना है हमको। 2 डिजिट में नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। कहाँ से, 10 से। अब आप 10 से देख सकते हो, 10 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक आता है, 99 तक। कहाँ तक आएगा, 99 तक आएगा, क्योंकि 100 कितने बार जाता है, कितने डिजिट में, 3 डिजिट में। 100 है वो 3 डिजिट में आ जाता है, इसीलिए 99 तक 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो हम इनको काउंट करते हैं। 10 को हम मान लेते हैं 100 की जगह, इससे क्या होगा, हमें इजी पड़ जाएगा काउंट करने में, मिस्टेक नहीं होगी। तो अब हम काउंट करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। कितना हुआ, 90। तो अब 2 डिजिट के कितने नंबर्स हुए, 90। अब हमने दो का तो सीख लिया, यानी 1 डिजिट में 9 नंबर्स होते हैं और 2 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, 90। ये तो हमको आ गया। अब यदि हमसे कोई ये पूछे कि 3 डिजिट में कितने नंबर्स होते हैं, यानी 3 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं, 4 डिजिट के कितने होते हैं, 5 डिजिट के कितने होते हैं, अब आपको तो कंफ्यूजन में डाल दिया ना। उसके लिए आप क्या करोगे, काउंटिंग लिखते जाओगे। कहाँ तक लिखोगे भाई, बहुत लंबा हो जाता है काउंटिंग लिखना, इसलिए हम आपको आज इजी ट्रिक्स बताते हैं कुछ। यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो लास्ट तक देखें। ये तो हमको पता चल गया कि वन डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, 1 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, 9। कितने होते हैं, 9। ये तो हमको पता ही चल गया। और 2 डिजिट के कितने होते हैं, ये भी हमने निकाल लिया, कितना हुआ, 90। अच्छा एक बात और, 90 को हमने देखा कि 2 डिजिट के हमने काउंट करके निकाला था, लेकिन हम एक तरीका और है उससे भी निकाल सकते हैं। अब वो क्या है, आपको 2 डिजिट के नंबर्स निकालने हैं, यानी 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, 2 डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 99। कौन सा होगा, 99। अब 99 में से हमें क्या माइनस करना है, 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है 9। तो 9 को हम 99 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या है हमारे पास, 9 में से 9 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 0। क्या आया, 0। उसके बाद 9 में से नीचे कुछ नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, 9 का 9। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 90। तो ये भी हमारे पास एक दूसरा तरीका है। अब ये यहां तक तो हमको आ गया है। अब जब आपसे कोई ये पूछे कि 3 डिजिट्स में, यानी 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, 900, यानी जो 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 999। तो वो हमें 999 लिखना होगा।
अब हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि हमारे जो थ्री डिजिट के हैं वो नंबर्स निकल के आ जाए। उसके लिए हमें जो टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है उसको इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो टू डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99, तो 99 को हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये किया हमने, क्या आया हमारे पास 900, क्या आया 900। तो अब हमें पता चल गया, अब हमें 3 का भी पता चल गया कि 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 900 कितने होते हैं, 900। ये भी हमने इसी फॉर्मूले से निकाल लिया। अब हमको 3 का तो पता चल गया 1 डिजिट में 9 नंबर्स होते हैं, और 2 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं 90, और 3 डिजिट के 900। अब हमें किसका निकालना है, 4 डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं। तो 4 डिजिट्स के कितने नंबर होते हैं, अब हमें सबसे पहले लेना होगा जो 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर होता है। तो 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9999। तो अब हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बताओ जल्दी से, 999 को, जो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास 9000। तो अब हमें ये पता चल गया कि 4000 में, यानी 4 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, 9000 कितने होते हैं, 9000। अब हमने ये सीख लिया कि 1 डिजिट में जो 1 डिजिट के नंबर्स होते हैं वो 9 होते हैं, 2 डिजिट के 90 होते हैं, 3 डिजिट के 900, 4 डिजिट के 9000। इसी तरह से हम सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, 5 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, 6 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, और 7 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं। तो आप ये कितने तक भी आपसे कोई पूछे तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब हाँ, लेकिन आपको मैं कुछ होमवर्क भी दे रही हूँ, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में 7 डिजिट के नंबर्स कितने होते हैं, 5, 6, 7, इन तीनों के नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं कितने होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा फॉर्मूला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब